टमाटे और लौकी से बना इतना हेल्दी और इतना टेस्टी नाश्ता कि आप इसे रोज़ रोज़ बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा सुबह या शाम का चटपटा नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है और ये फटाफट बन जाता है, तो बस देर नहीं करते हैं, चलिए बनाते हैं टेस्टी नाश्ता। इसके लिए देखिए, मैंने लौकी लिया है और लौकी को हम इस तरह से ऊपर नीचे कट कर ले रहे हैं। और अब हम इसे छील लेंगे और छील के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो जो बच्चे लौकी नहीं खाना पसंद करते, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि लौकी का नाश्ता है। तो बस लौकी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे। मिक्सर के जार में डाल के इसका हम पतला पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें देखिए, मैंने लौकी पीसते समय थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसका एकदम पतला पेस्ट बनाना है ताकि कुछ पता ना चले बच्चों को। और अब हम देखिए, इसमें 1 से 1.5 कटोरी आप आटा ले लीजिए। तो मैं इसमें 1 बड़ी कटोरी, जितना मैंने लौकी लिया है सेम उतना आटा लिया है। और यहाँ पर देखिए, अदरक लाल मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। और अब देखिए, मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। बस इन सब का घोल बना देंगे। सुबह के नाश्ते में कुछ अलग बनाएं लौकी का हेल्दी नाश्ता। तो जो बच्चे लौकी नहीं खाना चाहते हैं, वो भी ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनेगा। तो उनके डाइट में इस तरह से लौकी शामिल करिए, उन्हें पता ही नहीं लगेगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसका परफेक्ट घोल बना लेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा ये नाश्ता बनता है। किसी को नहीं पता चलेगा कि इसमें लौकी पड़ा है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। फटाफट बन जाने वाला ये नाश्ता है, बस 5 मिनट में बन जाता है। और आप इसे बच्चों को टिफ़िन में या सुबह शाम के हल्के भूख में इस तरह का आप नाश्ता उन्हें बना के दे सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का घोल हमें चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपको घोल चाहिए। बस आपको इसको न रेस्ट करने की ज़रूरत है और न कुछ भी, बस फटाफट ये नाश्ता आप इस तरह का घोल बना लीजिए और 5 मिनट में बना सकते हैं। तो बस आगे के प्रोसेस में, इधर देखिए, गैस पे मैंने लो फ्लेम में ये इस तरह का तवा रख दिया है और हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया था। बस इस तरह से आपको ये घोल को फैलाना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फटाफट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही चटपटा नाश्ता बनता है। तो अब आप हर तरह के नाश्ते से परेशान हो गए हैं, तो इस तरह का नाश्ता बनाइए। बस 5 मिनट में बनने वाला हेल्दी गेहूं के आटे और लौकी से बना हुआ ये नाश्ता होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर से ये घी डाल दिया है। तो देसी घी भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसमें ज़्यादा ऑयल कुछ भी नहीं डालना है। बस देखिए, ऊपर से मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है और अब इस तरह से हमको ने पलट लिया है। नीचे मैंने शुरुआत में बहुत ही कम घी डाला था। तो बस देखिए, इस तरह से बन जाता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा नाश्ता बनता है। तो अब मैं जो, आप सोच रहे होंगे कि ये नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, लेकिन अब मैं जो दूसरा बता रही हूँ वो भी बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये देखिए, ये इस तरह का चीला तैयार हो चुका है और अब हम इसे निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही टेस्टी ये गेहूं के आटे और लौकी का नाश्ता बन गया है। और दूसरा देखिए, दूसरे वाले को गैस का फ्लेम मैंने फिर से बताया कि मैंने एकदम लो रखा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा जैसे घी डाल दीजिए या ऑयल, बटर कुछ भी डाल दीजिए। और अब हम ये जो घोल है इसको डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने घोल को डाल दिया है और बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से स्प्रेड करके फैला दिया है। और अब हम देखिए, इसमें डालेंगे इसको और चटपटा बनाने के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। तो ये बहुत ही इजी, आसानी से सबके घर में अवेलेबल होता है। यहाँ पर देखिए, अगर आपके बच्चे को जो वेजिटेबल पसंद आता है तो उसे भी आप पतला पतला चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सभी को पसंद आता है।
बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा ये नाश्ता बनता है। बच्चों को नहीं पता चलेगा कि इसमें लौकी भी पड़ा है। तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटपटा ये नाश्ता है। तो ऊपर से भी देखिए मैंने घी डाल दिया है और फटाफट बन जाता है बिना मेहनत के, एकदम हेल्दी नाश्ता। और बच्चे से लेके बड़े सभी पसंद से खाएंगे। यहाँ पर देखिए बस 2 से 3 मिनट तक आपको इस तरह से लो फ्लेम में पकाना है। और अब देखिए इस नाश्ते को हम पलटेंगे, तो पलटते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो ये देखिए मैंने पलट दिया है और अच्छे से इसको दबा दबा के सेक लेना है। तो 1 से 2 मिनट हो गया है और अब हम इसे देखिए पलटेंगे। ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। सुबह या शाम में मैंने बताया कि जब भी बच्चों को इस तरह का हल्की भूख लगे तो आप इस तरह का नाश्ता बनाइए, फटाफट बनने वाला ये हेल्दी नाश्ता है। ये देखिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी है। आपको न किसी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी न किसी चीज़ की। तो आप इसी तरह खाइए, बहुत ही चटपटा नाश्ता है, बिना मेहनत के बन जाता है। तो फिर देखिए इसी तरह से आपको सारे नाश्ते को बना लेना है। ये देखिए गेहूं के आटे और जो लौकी का घोल मैंने तैयार किया है, बस इसको आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए एक और मैं बता रही हूँ, बस आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और 1 मिनट के बाद जब ये हल्का सा पक जाए तब आप इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च इसको डाल दीजिए। बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी, बस 5 मिनट में बनने वाला ये हेल्दी नाश्ता है। और एक बार अगर आप बना के देंगे तो बच्चे बार बार कहेंगे मम्मी वही नाश्ता आप बना के दो। तो देखिए इसको भी, टमाटर को भी मैंने अच्छे से फैला दिया है और आप 2 से 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में एक पीछे वाले साइड में अच्छे से पकने दीजिए। तो ऊपर से भी मैंने देखिए घी डाल दिया है और 2 से 3 मिनट जब ये नीचे से अच्छे से पक जाएगा बस आपको फिर इसको अच्छे से पलट लेना है। ये देखिए मैंने इसको फिर से पलट लिया है, एकदम आपको बचा के पलटना है। तो ये देखिए इस तरह से पलट लेना है, एकदम हेल्दी टेस्टी फटाफट बनने वाला लौकी और गेहूं के आटे का नाश्ता तैयार है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही चटपटा होता है और साथ में काफ़ी हेल्दी होता है। तो टेस्टी चटपटा गेहूं के आटे और लौकी का नाश्ता। अब इसे तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट जा रहा है क्योंकि इसमें मैंने लौकी डाला है, तो ये बहुत ही आसानी से टूट गया है और इतना चटपटा बना है कि आपको इसके आगे किसी चटनी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये हल्का सा ऑमलेट जैसा लगता है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा गेहूं के आटे और लौकी का नाश्ता बन के रेडी है। तो आई होप कि आपको टेस्टी हेल्दी 5 मिनट में बनने वाला गेहूं के आटे और लौकी का चटपटा नाश्ता की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।